नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 7 और 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इनमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और इसे वन लाइनर के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। आपको ये PDF के फॉर्म में इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि आप इसे नोट करें। नोट करने से आप इसे अधिक से अधिक समझ सकेंगे और आपको जल्दी याद भी होगा। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? वो किया है विजया बैंक के साथ। विजया बैंक जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके CEO हैं, अध्यक्ष हैं RA शंकर नारायण। नेक्स्ट है, इसरो ने अपना अब तक का सबसे वजनी उपग्रह नवंबर 2018 में लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है GSAT-11। GSAT-11 इसको लॉन्च करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको लॉन्च करने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसरो की बात आई है तो आप इसरो के फैक्ट्स जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और ये उत्तर प्रदेश में हुआ है तो आपको उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के गवर्नर हैं श्री राम नाइक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाल ही में महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता है? ये जीता है नीदरलैंड ने, और किसको हराकर जीता है? ये आयरलैंड को हराकर जीता है, और ये नीदरलैंड ने आठवीं बार महिला हॉकी विश्व कप जीता है। अब नीदरलैंड ने जीता है तो इसके फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मार्क रूट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सरकार Imprint 2 के तहत उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है, जिसके लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? इसके लिए टोटल 112 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अब ये Imprint का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान को बजट देकर उनको बढ़ावा देना, उनकी सुविधाओं को और सुचारू रूप से लागू करना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाल ही में सरकार ने मौसम योजनाओं के लिए कितने रुपए का बजट आवंटित किया है? ये किया है 6,39,00,000 का, ताकि हमारा जो मौसम विभाग है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, और ये मौसम के अनुमान से संबंधित है, ये योजना मौसम के अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में डिजिटल लेन देन के लिए कैशबैक की घोषणा किसने की है? ये की है जीएसटी परिषद ने। अब ये कैशबैक है क्या? जैसे कि आप पेटीएम यूज़ करते हैं और आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ परसेंट में कैशबैक होता है, वैसे ही जीएसटी काउंसिल ने एक घोषणा की है कि यदि आप रुपे कार्ड और भीम ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट की राशि 100 रुपये से ज़्यादा होगी तो आपको 20% का कैशबैक दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 8वां नंबर है, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो आपको इसके फैक्ट्स पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने नया अंगदान कानून जारी किया है? ये किया है UK ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। अब ये अंगदान कानून है क्या? अभी तक जो हमारे भारतीय UK में रहते थे, अगर उन्हें कोई अंग से रिलेटेड कोई परेशानी होती थी या बीमारी होती थी तो उन्हें अंग प्रत्यारोपण में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वहाँ के नियमों के अनुसार, इसलिए इस नियम को
यूके ने कुछ आसान बना दिया। जैसे आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो तो अब आपको आसानी से हो जाया करेगी। यूके की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल है लंदन, यहाँ की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है? ये किया है चीन ने, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट चीन ने। ये परमाणु ले जाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में BWF ने गोल्ड जीतने वाले पहले जापानी खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं केंटो मोमोटा, केंटो मोमोटा, और ये आयोजन हुआ कहाँ था? चीन में। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति कोविंद का द्वारा लोकतंत्र का त्यौहार नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है केरल में। लोकतंत्र का त्यौहार जो है वो अभी केरल में आयोजित किया गया है। अब जब केरल की बात आई है तो आपको इसके फैक्ट्स पता होने चाहिए। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं पी सदाशिवम, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजयन पिनरई। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने फिजी इंटरनेशनल खिताब 2018 जीता है? ये जीता है गगनजीत भुल्लर, गगनजीत भुल्लर जो कि भारत के गोल्फर हैं। अब फिजी इंटरनेशनल जीता है तो फिजी देश के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ की कैपिटल है सुवा, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जियोजी कॉनरोट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने रूसा योजना के लिए महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में कितने जिलों का चयन किया है? ये टोटल जिलों का चयन किया है 117, 117। अब पहले तो आपको रूसा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अधिनियम, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। अब ये नीति आयोग ने इसे किया है तो नीति आयोग के बारे में आपको बता दूं, कई बार मैं आपको नीति आयोग के बारे में वीडियो में बता चुका हूँ। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं, इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ सभी व्यापार संबंधों पर रोक लगा दी है? वो देश है कनाडा। अब इन्होंने रोक क्यों लगाई है? क्योंकि कनाडा सऊदी अरब के पॉलिटिकल मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप कर रहा था, इसी के चलते सऊदी अरब ने इस पे व्यापार पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब की बात आई तो इसके फैक्ट्स आपको बता दूं, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, यहाँ की करेंसी है रियाल, और यहाँ के किंग जो हैं वो हैं सलमान। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ने किस शहर को देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? ये किया है गुड़गांव को, गुड़गांव जो कि हरियाणा में है। अब हरियाणा में है तो आपको इसके फैक्ट्स पता होने चाहिए। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। पहले तो आप थर्मल बैटरी प्लांट जान लीजिए, ये इस प्रकार की बैटरी होगी जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम, पहले की मात्रा में बहुत कम करेगी। और अब आंध्र प्रदेश की बात आई तो इसके फैक्ट्स जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वर्तमान में है वो अभी हैदराबाद है, और प्रस्तावित इसकी कैपिटल है अमरावती। यहाँ के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। संयुक्त अभ्यास मैत्री 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये किया गया है थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच। अब यहाँ की थाईलैंड की बात आई तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत, और PM है प्रयुत चांग ओचा, प्रयुत चांग ओचा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, ये इम्पॉर्टेंट है डेज के तौर पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने देशों को ई वीज़ा सुविधा प्रदान की है? ये की है 165 देशों को
ई वीज़ा सुविधा प्रदान की है, जिसमें 25 हमारे एयरपोर्ट हैं और 15 बंदरगाह हैं, इसमें ये सुविधा लागू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशांत प्रयास 2018 नामक अभ्यास की शुरुआत कहाँ की गई है, वो की गई है नेपाल के काठमांडू में। यहाँ पर दोनों देश के कर्मचारी अभ्यास करेंगे। अब नेपाल की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, राज्य ऊर्जा कुशलता तत्परता सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान मिला है इसमें आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। ये 7 और 8 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।